हेलो फ्रेंड्स, नाउ दिस क्वेश्चन केम इन एम्स 2014। एम्स 2014 में एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है? C3H6O कोई कंपाउंड है। इट डिड नॉट गिव अस सिल्वर एंड मिरर विद टॉलेंस रिएजेंट। देखिए, सिल्वर एंड मिरर टेस्ट नहीं दिया, टॉलेंस के साथ टेस्ट नहीं दिया। अगर हमें ध्यान हो तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट केवल एल्डिहाइड्स, राइट, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स देते हैं, एल्डिहाइड्स देते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स देते हैं, फॉर्मिक एसिड दे देता है, और भी कुछ स्पीशीज हैं जो दे देती है। अब वो कह रहा है कि जी ये कोई कंपाउंड है जिसने सिल्वर एंड मिरर टेस्ट नहीं दिया। नॉर्मल कीटोन्स, जो नॉर्मल कीटोन्स हैं विच आर नॉट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, वो ये टेस्ट नहीं देते, तो ये कीटोन हो सकता है, राइट, दिस माइट बी सम कीटोन। लेकिन वो बोल रहा है बट गेम एन ऑक्साइन विद हाइड्रोक्सिलमीन, इसका मतलब पक्का ये कीटोन है। देखिए, हाइड्रोक्सिलमीन्स के साथ हमने रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन्स के पढ़े हैं। अब ये एल्डिहाइड होता तो टॉलरेंस रिएजेंट का टेस्ट देता, नहीं दे रहा मतलब ये कीटोन है। इसका मतलब यहां से श्योरिटी हो गई कि ये कोई ना कोई कीटोन है पक्का। अब उसने पूछा इट कैन गिव पॉजिटिव, कौन सा टेस्ट ये दे सकता है। अब आप ध्यान से देखिए इसमें कार्बन्स कितने हैं, मॉलिकुलर फॉर्मूला गिवन है, कार्बन्स है इसमें 3, और मैंने आपको हिंट दे दिया कि है ये कीटोन। अब 3 कार्बन वाला कीटोन कौन सा हो सकता है? 3 कार्बन वाला कीटोन इज नथिंग बट एसीटोन, एसीटोन ही 3 कार्बन वाला कीटोन है। C3H6, 3 and 3 6 1 O, C3H6O, राइट, सो कीटोन ये है। अब उसने पूछा कि जो भी ये मॉलिक्यूल है ये कौन सा टेस्ट दे सकता है या देगा? कार्बाइल अमीन देगा? नो, कार्बाइल अमीन इज गिवन बाय प्राइमरी मींस, ये तो नहीं है। शिफ्ट टेस्ट देगा? नो, शिफ्ट टेस्ट भी नहीं देगा। ये कीटोन है, कौन सा एल्डिहाइड है, ठीक है। फिलिंग्स टेस्ट देगा? नो, बिल्कुल नहीं देगा, दिस इज कीटोन। ऑप्शन ए की बचती है आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट ये दे देगा क्योंकि इसमें CH3CO ग्रुप है, राइट, CH3CO ग्रुप है, तो इट विल डेफिनेटली गिव आयोडोफॉर्म और हैलोफॉर्म टेस्ट। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी आयोडोफॉर्म टेस्ट। सो आई होप कि मैंने जिस तरीके से बाकी ऑप्शंस रूल आउट करी और यहां तक हम पहुंचे, ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।